हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो फिर एक कोल्ड स्टोर के ऊपर है, और जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसमें एलिमेंट के बारे में, जो कि हम डिफ्रोज के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एलिमेंट लगे हैं, हर एक कोल्ड रूम के अंदर होता अलग हुआ, तो इन एलिमेंट का होना ज़रूरी है एवोपरेटर के अंदर। अगर ये नहीं है या फिर ये काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा हमारा टेम्परेचर नहीं आएगा। एक दो दिन के बाद आइस जमा देता है वो, और फिर क्या उसमें टेम्परेचर नहीं आता। तो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये एक जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग के कमेंट्स थे काफ़ी कि कनेक्शन के ऊपर वीडियो बनाऊँ मैं एलिमेंट की, तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये सिर्फ आपका प्यार है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। तो चैनल बनाने का मोटिव भी यही है कि आप लोग तक हेल्प पहुंच सके, जिससे कि आप किसी भी कंट्री में अगर जॉब करने जाएं तो आप वहां पे फेल ना हो, अच्छे से आप काम कर सकें, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर पिन लग के आती हैं, जो पत्ती जो मैं खोल रहा हूँ, ये जो पत्तियाँ हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो मैं भी आपको कनेक्शन बताऊंगा, पहले थ्री फेज कनेक्शन कैसे करेंगे। ये जो है अभी आप देख रहे हैं, हम इस तरह से, ये जो है कंपनी की तरफ से आया लग के, ये नया यूनिट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्शन उसके करने होते हैं नए में, क्योंकि नए जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो इसको हम सारी पत्तियों को निकाल देंगे, ये दोनों साइड में लगी होती हैं, जो कि हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें कनेक्शन कौन से करने होते हैं, कि हमें सिंगल फेस करने हैं या फिर थ्री फेस करने हैं। तो देखिएगा, अभी मैंने इनको अलग कर दिया है, और जो आप पीछे वाले देख रहे हैं उनको साथ में वो लगी पड़ी हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और ये वाले जो पॉइंट हैं वो मैंने तीनों को अलग कर दिया है। तो थ्री फेस का कनेक्शन देखिएगा कैसे करेंगे। थ्री फेस का कनेक्शन करने के लिए आप देख रहे हैं ये वायर वाइट वाले, ये जो लाइन आई है हमारी ऊपर से, और इसको हमने दिया है थ्री फेस। तो थ्री फेस जो है, हम एक एक पॉइंट पे एक फेस देंगे, यानी कि पहले पॉइंट पे, फिर दूसरे पॉइंट पे, फिर तीसरे पॉइंट पे, इस तरह से इसके कनेक्शन करे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने पूरी ऊपर वाली पत्ती देखिएगा, वो मैंने नहीं निकाली है, वो सेम एज इट इज पहले जैसी है, और नीचे वाले जो आप मैंने जो पत्ती निकाली थी उसमें मैंने एक फेस एक उस पॉइंट पर दिया है, एक फेस दूसरे पॉइंट पर दिया है। तो तीनों पॉइंट पर हम तीनों वायर दे देंगे, और फेस जो है हमारे तीनों फेस चले जाएंगे हीटर के अंदर, ठीक है। तो क्या है, वो हमारे थ्री फेस कनेक्शन हो जाएंगे, इस तरह से ये काम करेगा। और अब हमें करने हैं सिंगल फेस के कनेक्शन। तो सिंगल फेस के कनेक्शन के लिए देखिएगा क्या करना है, ये सिंगल फेस का यूनिट है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। वो पहले जो यूनिट था वो थ्री फेस का था, और सिंगल फेस का यूनिट में सिंगल फेस जैसे कनेक्शन करने होते, क्योंकि आपको मालूम है कोल्ड रूम हमारे दो ही आते हैं, एक सिंगल फेस में एक थ्री फेस में, तो पावर भी हमें वही मिलती है। तो इनमें एलिमेंट में कनेक्शन हमें इसी तरह से करने होते हैं। आप देखिएगा, मैंने सिंगल पॉइंट जो है ऊपर वाले पिन निकाल दिए मैंने, नीचे वाले आप जो देख रहे हैं जो पत्तियाँ, वो मैंने नहीं निकाली हैं, क्योंकि इसमें हमें एक फेस यहाँ दे देना है। तो एक फेस हमने इधर लगा दिया है, एक पॉइंट पर जब फेस लगाएंगे तो वो तीनों पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ऊपर वाले आप देखिएगा, वो निकाल दिए मैंने पत्तियाँ, ऊपर वाली पत्ती में कैसे करना है हमें कनेक्शन, वो भी मैं आपको बताता हूँ सिंगल फेस वाली में। तो फेस हम अगर एक पत्ती पे दे देते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे हमारा फेस चला जाएगा, तो दूसरे पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जो है दोबारा से जो हमारी कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे को पत्तियां होती हैं वो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि हमें उधर देना है न्यूट्रल। तो एक जो है लाइन पे हमारा न्यूट्रल जाएगा, और एक पे जाएगा हमारा फेस। तो इस तरह से हम इसको लगा देंगे, तो एक पॉइंट पे हमारा फेस आएगा कनेक्टर के, और दूसरे जो पॉइंट होगा वो उस पर हमारा न्यूट्रल आएगा। तो न्यूट्रल फेस हमारे इस तरह से आएंगे। तो ये क्या है, हमारा सिंगल फेस जो है 220 जो हमारा यूनिट होता है उसमें एलिमेंट के कनेक्शन इस तरह से होंगे। तो आपने देखा है थ्री फेस वाले में हमने कैसे करा था, अलग अलग करे थे, तीनों फेस हमने अलग अलग दिए थे, ठीक है। एक साइड की पत्तियाँ हमने मिला के रखी थी, और एक साइड की पत्तियाँ हमने निकाल दी थी, और सिंगल फेस में हमने दोनों साइड की पत्तियों को मिलाया है, दोनों साइड की पत्तों को मिला के फिर हमने एक फेस और न्यूट्रल उसको अलग अलग दिया। तो इससे क्या है, ये सिंगल फेस कनेक्शन हो गए। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि मतलब थ्री फेस वाले कनेक्शन हमें कैसे करने हैं और सिंगल फेस वाले कनेक्शन कैसे करने हैं, क्योंकि यूनिट मैंने आपको इसका डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम में भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से काम करते हैं हीटर, क्योंकि सिंगल फेस और थ्री फेस यूनिट होते हैं हमारे,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।